वेलकम टू अवर व्लॉग। और गाइस, आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और ये साई है या मैं हूँ। मैं गाइस स्कूल नहीं गया क्योंकि आज है मेरा डांस कंपटीशन, तो मैम ने खुद ही बोला था कि स्कूल मत आना, सीधे डांस कंपटीशन में आना। तो मैं इस वजह से आया हूँ, मतलब जा रहा हूँ, आया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर चलते हैं डांस कॉम्पिटिशन की तरफ। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। होपफुली सब अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ भी होंगे। और अभी दोस्तों लेट से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काफी देर हो गया। साई भी देखिए स्कूल जाके आ गया, उसका सैटरडे था तो हाफ डे हो गया आज। उसने क्या बनाया है साई आपने? बी बनाइए, दिखाओ। आगे ये भी इशू का आज डांस कॉम्पिटिशन है तो वो गया आज लेट से, गया है वही 8:15 बजे करीब गया है। अपनी गाड़ी से ही भेजना पड़ेगा क्योंकि स्कूल की गाड़ी तो सुबह जाती है, तो अकेले जाना था उसको, तो ड्राइवर के साथ भेजे ऐसे करके तो गया है। अब देखो 12 बजे तक छुट्टी होगी उसकी, कंपटीशन वगैरह सब खत्म हो जाएंगे तभी आएगा। और ये देखो साई, अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड। बी बनाई है मानवित कौशिक, पेपर से बनी है। पेपर से बनी है, आपने बनाई थी ये दीदी की मदद से? मैंने ग्लू लगाया तो मैं नहीं। अच्छा, ग्लू तो आपने लगाया है, तो आपको समझ आ गया ना कैसे बनाते हैं अभी। चलिए दोस्तों, अभी साई आया तो उसको भी नहलाएंगे, तो पानी लगा दिया है मैंने गर्म करने के लिए। और मौसम तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि कुंडू मरारी हो ही रहा है हमारे यहाँ का, तो एकदम ज़बरदस्त है। आज भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस कपड़े सुखाने की दिक्कत होती है दोस्तों, बाकी और तो कुछ नहीं। तो अभी खाने का मैंने कुछ किया नहीं है और सोनू चले गए हैं सुबह वही जल्दी से 9:30 बजे करीब, अपना उनका मीटिंग था KTI में, तो वो KTI में गए। बोले लंच वंच वो सब वही रहेगा उनका, और मीटिंग कब तक ख़त्म होगी वो भी नहीं पता है। ये है दोस्तों, और हम लोग प्लान कर रहे थे कि राउरकेला चलेंगे आज सैटरडे करके, तो सैटरडे संडे वहाँ राउरकेला में मस्त इन्जॉय करेंगे, लेकिन प्लान की ना बात लगा देते हैं इनकी जो मीटिंग होती है ना फालतू का। मैं सोची थी कम से कम 5 बजे भी शाम को यहाँ से चलेंगे तो भी ठीक है, कम से कम नाइट स्टे करेंगे, संडे को आराम से मस्त घूमेंगे। बात सब मेरा फ्लॉप हो जाता है, कुछ भी करूँ ना बस पूछो ही मत, एकदम बेकार। दोस्तों देखिए, मैं खाने की तैयारी कर रही थी तो अभी मैंने देखिए पकोड़े बना लिए वही लौकी वाले, तो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएंगे अभी। और हमारा उधर काम भी चल रहा है रूम में, वही TV वाला इंस्टॉल करने के लिए जो स्टैंड है उसको, तो डर का लग गया है वक्त भी। चलिए हम अपना खाना बनाते हैं, इशू आ गया और डांस उसका बढ़िया हो गया मस्त। बोला था सब लोग अच्छे बोल रहे थे, अच्छे से हो गया, अच्छे से हो गया। मैं चल अच्छी बात, अच्छा हो गया तो अब देखते हैं उसको आएगा नंबर कि नहीं आएगा, सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये देखा है बोलो, ये देखिए दोस्तों अभी का मौसम, दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं और ये हमारे घर का मौसम है। अभी देखते हैं हमारे घर में भी इतना फॉग है, ऐसा है दोस्तों आज का मौसम। तो बताइए ऐसे मौसम में मन तो करता है जाने का, पर जाएं कहाँ? अभी बारिश नहीं आ रही है, कोई झरना भी नहीं, वो पानी बस पेड़ों से टपक रहा है। बाकी कितना फॉग है, मतलब बढ़िया ऐसे में घूमने निकलने में मस्त है मौसम। छाता वाता पकड़ लो भले ही और आराम से चले जाओ घूमने के लिए, एकदम बढ़िया। तो गाइस, यहाँ साई, ये मम्मा, और गाइस हमारी चीज़ मैगी रेडी हो गई है। चीज़ मैगी ना, मैंने बना ली थी चीज़ मैगी। देखो यहाँ पे मम्मा बैठी हुई है, इनका देखो कितना मूड था जाने का बट बेचारी जा ही नहीं पाई। मेरी मम्मी को कुछ मत बोलना, मैं उनको कहीं तो ले जाऊंगा, बड़े होके बड़े होके तो मैं भी ले जाऊंगा। नहीं मार भैया को, नहीं लड़ाई नहीं करो तुम लोग। दोस्तों अभी देखिए मैं चाय बनाने आई हूँ किचन में और मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं मेरा थोड़ा मूड था कि मैं जाऊँ कहीं बाहर घूमने में, एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्लान कर रही थी बहुत सारी चीज़ें तो जो कि हो नहीं पाई हैं, तो मेरा वही रहता है ना एकदम मूड ख़राब हो जाता है, तो ऐसा ही। और मतलब कुछ भी प्लान करो ना एकदम ख़राब हो जाता है, मन ही नहीं लग रहा मेरा। चाय देखी बन गई मेरी, और अभी सोनू अभी तक नहीं आया है और 6:30 बज चुका है दोस्तों। अब वो आएंगे तो कितना 8 ही बजेगा, तो मैंने कि अब जब तक वेट नहीं करूँगी मैं चाय पी लेती हूँ, वैसे मेरा मूड ऑफ है, चाय और नहीं पी रही तो और ज़्यादा मेरा हेडअप हो जाएगा। थोड़ा सोचती हूँ मार्केट होके आ जाऊँ, थोड़ा मन फ्रेश हो जाए। तो अभी देखिए रेडी हो गई हूँ मैं, तो अभी जा तो रही हूँ लेकिन वही है झरना सा हो रहा है, तो अब साई को नहीं ले जा रही हूँ मैं, ऐसा सोच रही हूँ साई और ईशू को छोड़ जाऊँ, लेकिन अभी बात करते हैं
बच्चे तो बेचारे अकेले रह जाते हैं घर में, घर में नहीं चले जाते हैं। लेकिन स्कूटी से जाने में थोड़ा ठीक लगता है, रात में ना फॉग रहता है ना तो थोड़ा। क्योंकि गाइस कितना फॉग हो गया आगे और दिख भी नहीं रहा है मम्मी को। इसकी लाइट बंद करो बेटा, इसकी लाइट तो बंद है। देखिए कितना फॉग हो रहा है और मम्मी को समझ में भी नहीं आ रहा कि रास्ता कहाँ से है। अभी तो वो अभी जो वो भी नहीं दिख रहा जो होते हैं ना जिसमें लाइट जलती है वो जो घूमता है। सो अभी देखिए गाड़ी मैंने बंद की है और इतना फॉग है कि बिल्कुल पास का भी नजर नहीं आ रहा। मेरे को तो आई साइड वैसे भी बीक है, मेरे तो और नहीं नजर आता है। मुझे क्या ही करूँ, समझ में नहीं आ रहा है जाऊँ आगे, बिल्कुल इतना मतलब एक इंच एक फिट भी नहीं दिख रहा है। क्या बोलूँ, बाहर इतना फॉग है ना एकदम, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है बाहर में। मतलब गाइस बहुत फॉग हो रहा है इसलिए मम्मी जा रही हैं वापस। हाँ दोस्तों अभी मैं ना वापस ही जा रही हूँ, स्कूटी से देखती हूँ। नहीं तो दोस्तों अभी हम मेरा ना गाड़ी को कर लिया है टर्न क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग है और इतने फॉग में नहीं चला सकती हूँ मैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा। और इस वजह से बाहर से इस पर फॉग ऐसा जम गया है ना तो बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे से। मुझे तो डर भी लग रहा है, रात का टाइम है और हिल्स वाला एरिया वैसे ही हम लोग का तो गाड़ी जंगल वाला एरिया पता चला यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी को पता नहीं चले और सुबह पूरी हड्डी मिले। तो चलो अब स्कूटी से जाते हैं। तो स्कूटी से मैं अकेली जाऊंगी रात में, तुम लोग नहीं जाना ठीक है। तो गाइस अभी हमें ये गाड़ी से नहीं दिख रहा था कि अभी हम स्कूटी से जा रहे हैं। ठंडा हो गया है। ये कैप पहन लो बेटा, कैप पहन लो। दोस्तों अभी देखिए हम आ गए बाहर मार्केट घूम घाम के, इतना फॉग हो रहा था बहुत ही ज्यादा करके मतलब कुछ नहीं दिख रहा था ना। डैडी को देखो, डैडी आ गए, डैडी लेट गए। और ये देखो जरा साईं ऐसे कब तो मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। चलो आ जाओ फाइट करते पैसे। अयो मम्मी मम्मी बचाओ 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 टक 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 बड़े बच्चे। बहुत मजा आया आज स्कूटी में जाके, स्कूटी में भी इतने धीरे धीरे स्कूटी चला रहे हैं, पूरा फॉग फॉग में पूरा बाल बाल सब हो गया, आँखों पे फॉग पूरा। जब गए थे तब हल्का झरना सा लग रहा था लेकिन फिर बंद हो गया था, बस फॉग था तो। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कार तो मेरे से चली ही नहीं और स्कूटी बहुत स्लो लेके गई मैं। मतलब देखिए सोनू आ चुके हैं घर पर, तो अभी लेटे हैं, आके हम लोग खाकरा लेके आए थे तो खा लिया सब, खाली हो गया खाकरा। और साईं बोला मम्मी और खाना था मुझे टू पीस, जबकि कुछ खाता नहीं है तो मैंने एक पीस इसको दे दिया। मैं बोला और खाना था, मैं चलो कल वल देखेंगे अब। तो चलिए अब सोनू भी आ गए तो चाय वाय बनाते हैं। मैं भुक्कड़ नहीं हूँ बेटा, सब भैया को भी मेरे दो दे दिए, मैंने और डैडी ने वन वन खाया था, इनकी एक एक्स्ट्रा रहेगा तो हमने ना हाफ ऑफ और ले लिया था। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे, होपफुली आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। आपसे मिलेंगे हम कल एक नई वीडियो और गाइस कल को हैं ये फ्रेंडशिप डे तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और हाँ और हाँ और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते रहिए और ऊपर ग्रो करिए और जल्दी से 1K पे पहुंचा दीजिए प्लीज दोस्तों। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कल तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।